नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जून 2024। आइए देखते हैं 24 जून से 28 जून के बीच में कैसे करेंसी बिहेव किया है एंड नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वीकली जो क्लोज दिया हुआ है इट्स डोजी कैंडल क्लोजिंग एट 105.8। ये वीक में जो मेजर इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट था वो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट मेनली था आपका कोर पीसीई डेटा, जो एज पर फोरकास्ट आया है बट बेटर देन द प्रायर डेटा, लास्ट मंथ्स डेटा। ये डेटा के कारण अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे क्या इंडेक्स पे उसका इम्पैक्ट आया, हल्का सा सॉफ्ट हुआ इन कंपैरिजन टू द लास्ट। अभी आते हैं वीकली चार्ट का एनालिसिस। वीकली चार्ट में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 106.5060 लेवल पे एंड इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका 104.25 एंड जो बड़ा वाला सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेंज है ऑन द हायर साइड 107.30 से 107.50 एंड नीचे की तरफ 101 से 101.50 के बीच का एक्टिविटीज है। एंड आरएसआई को अगर हम देखेंगे, आरएसआई वीकली आरएसआई करेंटली एट 59.24, इट सीम्स कि ये एक रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। व्हाट इट मींस, अगर नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग अगर हल्का सा नेगेटिव आते हैं, इस टाइप का नेगेटिव कैंडल आते हैं एंड आरएसआई confirms the resistance that it is taking from 60. In such a case, आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स और भी सॉफ्ट होने का प्रयास करेगा। ओवरऑल जो है, जब तक ये either 106.50, 106.70 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं और 104 से 104.25 के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक ये साइडवाइज रहने का एक्सपेक्टेशन है। RSI टर्म्स में अगर ये RSI 60 पे सपोर्ट लेके बैंड डाउन करते हैं तो हल्का सा सॉफ्टनेस और हम यहाँ पे देख सकते हैं। GBP डॉलर में लास्ट वीक में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है और मेजर डेटा का बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे तो मेजर डेटा में जो आया है आपका GDP डेटा, यूके का जीडीपी डेटा, ये आपका लिटिल बेटर देन द फोरकास्ट एंड मच बेटर देन द प्रीवियस डेटा। इट्स 0.3% व्हिच इज मच बेटर देन द प्रायर नेगेटिव 0.2% एंड उसके बाद यहाँ पे एक पॉज देखा गया। वीकली क्लोज दिया हुआ है 1.264। लास्ट वीक का हमारा अगर एनालिसिस देखोगे वहां पे हमने ये एनालिसिस किया था, जो नेगेटिव कैंडल मींस आपका 17 जून वाला वीक का जो लो बनाया हुआ है उसके लो के नीचे अगर आवरली बेसिस पे 3-4 कैंडल क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस इट में फर्दर वी कैन डाउन टुवर्ड्स 1.25। लेकिन हमने देखे हैं कि लास्ट वीक में यानी 24 से 28 जून के बीच में ये 17 जून का जो लो है उस लो के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया। व्हाट नेक्स्ट में आरएसआईटर्स में ये 40-60 में है, सो साइडवाइज बोथ साइड चॉपी बिहेवियर्स एंड नीचे की तरफ सपोर्ट होगा 1.2500 एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस होगा 1.29। हालांकि 1.29 काफी ऊपर के लेवल्स में, इसी बीच के अंदर में टू वे वॉलेटाइल मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। GBP INR ये प्रीवियस 17 जून वाला जो वीक है उसके लो के नीचे सस्टेन किया एंड सेल ऑफ भी हुआ है। ये सेल ऑफ जो हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ द GBP डॉलर बट बिकॉज ऑफ द डॉलर रुपी हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। सो व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे हल्का सा सॉफ्टनेस के साथ ये एक्सपेक्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो सपोर्ट होगा 104 से 104.25 एंड रेजिस्टेंस जो होगा 106.70 से 107.00 के बीच में। नेक्स्ट यूरो डॉलर,
यूरो डॉलर लास्ट वीक का जो कैंडल था इट्स अ डोजी कैंडल, लास्ट वीक बोले 17 जून वाला जो वीक का कैंडल था इट्स अ डोजी कैंडल एंड इनसाइडवर्ड टू द प्रायर कैंडल 10th जून वाला कैंडल, एंड करंट वीक का जो कैंडल है इट्स अगेन एन इनसाइडवर्ड टू बोथ 17 जून वीकली कैंडल एज वेल एज 10th जून वीकली कैंडल, यानी इनसाइड बार के अंदर में इनसाइड बार। सो यहां पे प्राइस बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कंसोलिडेशन के बाद कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट करेगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं ब्रेकिंग बिलो दिस मींस आवरली बेसिस पे तीन चार कैंडल अगर इस लो के नीचे क्लोज देते हैं इन सच ए केस एक मीडियम टर्म सेलिंग टुवर्ड्स 1.06 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 17 जून के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं दैट मींस 1.0760 के ऊपर सस्टेन करते हैं इन सच ए केस यूरो डॉलर में मूव अपवर्ड 101.08 के तरफ, और जब तक इस रेंज के अंदर में रहेगा choppy volatile behavior करेगा। So we need to wait for either breakout on the higher side with respect to the 17 June range breakout on the higher side or 17 June low break। कौन सा होता है ये मंडे onwards हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं हमारा यूरो आयनर, यूरो आयनर में भी एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है जो प्रीवियस वीक से भी छोटा रेंज बनाया हुआ है, एंड ये 10th जून का जो मदर कैंडल है उसके बीच में बैक टू बैक दो आपका इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, यानी इनसाइड बार टू 10th जून वाला कैंडल मींस प्राइस रेस्ट्रिक्शंस विद इन अ लिमिटेड रेंज। तो हमें अभी ब्रेक आउट का इंतजार करना है, यानी 10th जून का लो अगर ब्रेक करेगा इन सच ए केस यूरो आयनर में मूव डाउन टुवर्ड्स 88.50। अगर ये 17th जून के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हल्का सा अपवर्ड मेबी टुवर्ड्स 90.25 से 90.50 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर, डॉलर येन में इस हफ्ते में क्या हुआ है, इस हफ्ते में ये जो 29 अप्रैल का जो रेंज है मदर कैंडल है उस मदर कैंडल के हाई के ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है। दैट बीइंग द केस ये और भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है। अभी कितना ऊपर, फर्स्ट टारगेट इज 164.00 से 164.50 की तरफ, और बड़ा वाला टारगेट हो सकता है ये मदर कैंडल का रेंज ऑन द हायर साइड। ये जो रेंज है यहां से हम अगर इसको करेंगे तो आपका जो टारगेट आता है 168 के तरफ, बट क्या बीओजे इतना इजीली येन को और फर्दर डेप्रिशिएट करने के लिए अलाउ करेंगे, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू चेक। अदरवाइज अगर मान लेते हैं कि बीओजे का खतरा नहीं है इन सच केस 164.50 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 168 इज द सेकंड टारगेट, बट वी नीड टू रेस्पेक्ट द बीओजेस पर्सपेक्टिव, क्या वो डिसीशंस लेते हैं, क्या स्ट्रॉन्गली हेवीली इंटरवीन करते हैं या नहीं। यानी आईएनआर पे भी ये जो 29 अप्रैल का मदर कैंडल है उसके लो के नीचे अच्छा खासा नीचे जा रहा है, एंड एज पर द एक्सपेक्टेशंस इट इज यन आईएनआर इज मूविंग डाउन टुवर्ड्स 50-70 की तरफ जाने का है पॉसिबिलिटीज है। ओनली कंसर्न इज बीओजेस इंटरवेंशन, क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेट them to decide। अभी आते हैं हमारा डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में ये एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है नीचे की तरफ 1.36 as the support, ऊपर की तरफ 1.3850, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। सो जब तक इस रेजिस्टेंस के अंदर में है तो टू वे वोलेटाइल चॉपी बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट इज आवर ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर में जैसे लास्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी पहले हम लेते हैं कि सपोज 10th जून वाला जो हमारा एनालिसिस था, 10th जून वाला एनालिसिस में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे 3rd जून के लो के नीचे सस्टेन करेगा तो ऑसी डॉलर इज हेडिंग डाउन टुवर्ड्स 0.6450-0.6475 की तरफ। उसके सर्टेन कंडीशंस था, उस कंडीशंस का फुलफिल नहीं किया एंड ऊपर की तरफ मूव करने का प्रयास किया, बट 10th जून वाला जो हायर प्राइस रेंज पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद जो 17th जून का वीकली कैंडल था
एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली डोजी वन, क्योंकि बॉडी इज मच बिगर। लेकिन यहाँ पे देखने वाला चीज क्या था कि प्राइस टाइम पास कर रहा है, नॉट ब्रेकिंग द थर्ड जून वाला लो। इसको सेलिंग में क्या होता है, अगर सेलिंग होना है ना, झटपट सेलिंग हो जाएगा एंड जो अपने टारगेट है झटपट आ जाएगा। लेकिन टाइम पास करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए आप पिछले हफ्ते का जो हमारा एनालिसिस देखोगे, वहां पे हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि मे बी इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.67 एज द फर्स्ट टारगेट, और इसको भी तोड़ देते हैं तो मे बी टुवर्ड्स 6.50 की तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज आने वाले समय में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अपवर्ड बायस देखा। अभी अपवर्ड बायस के बाद व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में ये 6.7120 का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब तक ऊपर की तरफ क्लोज नहीं देते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल के साथ, सपोज दिस टाइप का एक बुलिश कैंडल नहीं बनाते हैं, तब तक ये आपका 6850 के तरफ जाने का डिफिकल्टीज होगा। क्योंकि ये जो आपका 0.6705 के एरिया पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मींस दिस बिकम्स ए क्रिटिकल एरिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आने से ही सेल करना है, रेदर यहाँ पे हमें मॉनिटर करना क्या ये ऊपर जाने का तैयारी करना है। ये हो गया ऑसी डॉलर। अभी आते हैं सीएनएच। सीएनएच में मैंने दो दिन पहले एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहाँ पे ये 7.2950 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं इन सच ए केस CNH, there are higher possibilities. It is further, CNH is further depreciating towards 7.3. रुपी में मेजर इंपैक्ट हो सकता है। एज ऑफ नाउ, कल के दिन में हमने देखे हैं, क्या देखे हैं कि PBOC ने इंटरवीन किया था फ्रॉम 7.2985 से ये सेल ऑफ किया 7.2695 तक, यानी 2.5 BG का ऑलमोस्ट 3 BG का एक सेल ऑफ हुआ था, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज्ड बैक एट 7.29। अभी हमें देखना है कि PBOC का माइटी हेंज वर्सेस CNH का डेप्रिसिएशन, क्या ये फर्दर 7.2950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज CNH में मूव अपवर्ड टुवर्ड्स 7.33। अभी एक जो हैमर कैंडल बनाया हुआ है, इसका जो लो इज क्वेश्चन, यानी जब तक इसके नीचे PBOC इंटरवीन करके नहीं लाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं इस लेवल के नीचे, दैट मींस 7.2695 के नीचे स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजिंग नहीं देते हैं बाई इंटरवेंशंस, तब तक ये अपवर्ड बायस में ही रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड स्पॉट। ब्रेंट क्रूड स्पॉट में बैक टू बैक 3 बुलिश कैंडल्स बनाया हुआ है, ऑल्दो ये करंट वीक का जो कैंडल है इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश भी नहीं है, क्योंकि हायर एंड पे काफी रिजेक्शंस मिला हुआ है। सो यहाँ पे और थोड़ा हमें टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे एक W पैटर्न बना है। आप बोलोगे कहाँ पे W है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। ये एक आप देखोगे ये वाला W, तो ये जो हमने एक जोन बनाया हुआ है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अभी तक आया नहीं, क्लोजिंग दिया हुआ है इस जोन के ऊपर लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुआ। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, क्लोजिंग नियर द हाई, इन दैट केस यस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड और भी फर्दर अपवर्ड बायस के लिए जाने का प्रयास कर सकता है। तो मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हमें दो बोथ साइड का मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी, मीन्स हम माइंडसेट के साथ देखेंगे मार्केट को। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो अभी डेली क्लोज दिया है और वीकली भी क्लोज दिया है 4.40 लेवल पे, ये कल के कोर पीसी डेटा के बाद ये ऊपर चला गया है। एंड व्हाट ये जो हमारा एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल था 4.35, इसके ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ। अभी व्हाट नेक्स्ट, बट नेक्स्ट में हम ये देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज द नेक्स्ट एरिया जहां पे ये रेजिस्टेंस लेके वापस आने का प्रयास कर सकते हैं।
एंड एट द सेम टाइम आरएसआई में टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड कम डाउन. ये अगर होता है दिस इज गोइंग टू बी अनदर मींस स्विंग ट्रेड के लिए सेलिंग साइड से कर सकते हैं. यूएस थ्रू ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है एंड जो पहले का सपोर्ट था एंड वी आर वेटिंग फॉर ये 10 जून का लो के नीचे क्लोजिंग फॉर ए फर्दर डाउनवर्ड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 4.4548 एंड फर्दर बिलो वो हमने देखा नहीं था एंड इट इज मेकिंग एन इनसाइड बार. अभी दो दो इनसाइड बार टू 10th जून वाला कैंडल दैट बीइंग द केस 10th जून का जो लो है 4.658 ये बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लेवल. अगर डेली बेसिस में इस लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मींस क्लोजिंग नियर द लो, इन दिस केस बेयरिश क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोजिंग, तो यहाँ पे एक सेलिंग हम एस्टेब्लिश करते हैं. जब तक नहीं होता है तो ये टाइम पास करेगा. वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन हमने देखा है. प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैंड डाउन करेगा. एट द सेम टाइम आर एस आई ऑल्सो टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड बैंड डाउन. अगर करते हैं दिस इज गोइंग टू बी the best selling opportunities. And आते हैं हमारे डॉलर. डॉलर रुपी में वीकली में अच्छा खासा गेन देखा गया है. ये वीकली जो गेन है 0.24% गेन के साथ with respect to the previous week. रुपी गेन हुआ है, डॉलर वीक हुआ है against the rupee. So यहाँ पे क्लोजिंग जो दिया है 83.33 levels. So ये जो 83.50, 83.70 still a strong resistance area and 82.80, 83.00 strong support area with a medium mediocre support at 83.20-85 level. What next? What next में वही है, हमें CNH को देखना है. CNH क्या strong closing देते 7.2950 के ऊपर. इन सच के रूपी में हमें एक प्रेशर देख सकते हैं. Also the mighty hand of the invisible player जो 83.50, 83.70 में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रुपए को फर्दर डेप्रिशिएट होने के लिए. क्या ये कब तक कंटिन्यू करते हैं? अभी बोलोगे मींस आई एम नॉट डाउटिंग द माइटी हैंड ऑफ द इनविजिबल प्लेयर. जो दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू रेस्ट्रिक्ट ए लेवल फ्रॉम एप्रिसिएशंस और फ्रॉम डेप्रिसिएशंस. दैट इज द मेरा जो मींस प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस. लेकिन ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसको फॉरएवर रेस्ट्रिक्ट मीन्स रेजिस्ट किया या सपोर्ट किया. ये जो लेवल्स होते हैं कभी ना कभी टूटने वाला होता है. तो ये कब टूटेगा या नहीं टूटेगा ये हमें देखना है. या ऐसा भी हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं एंड इकोनॉमिक सिनेरियोस डेवलपमेंट्स डोमेस्टिक एज वेल एज द ग्लोबल डेवलपमेंट्स के कारण रुपी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देते हैं आने वाले हफ्ते में. अगर होते हैं तो ये जो हवा है ये पूरा का पूरा चेंज हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ रूपी में डेप्रिशिएट होने का हायर प्रोबेबिलिटीज है सब्जेक्ट टू द एक्शन टेकन बाय द इनविजिबल. जब तक वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो रूपी आराम से 83.50 से 83.70 के बीच में आराम से रहेगा. लेकिन हाँ 83.70 के ऊपर उन लोगों का सडनली अगर थोड़ा पॉज लेते हैं इन सच केस खतरनाक अपवर्ड मूव ये स्प्रिंग के तरह बूम करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है. लेकिन हमें देखना पड़ेगा. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस वीकेंड. बाय.